हम अपने घर में पनीर भुजिया बनाते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं। आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिए, आपकी पनीर भुजिया बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट बनेगी और खाने में भी लाजवाब। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है। पहले सबसे पहले हम प्याज को छीलकर काट लेंगे। सो प्याज को हम बारीक बारीक काट कर लेंगे। इस तरह से हम अब टमाटर को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे ताकि वो जल्दी से पक जाए। दूसरे टमाटर को भी हम ऐसे ही बारीक बारीक काट लेंगे। इसके बाद हरी मिर्च भी हम बारीक बारीक काट लेते हैं इस तरह से। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ अदरक भी काट लेते हैं। लीजिए, हमारा अदरक काट चुका है। देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। 200 ग्राम पनीर, एक कटोरी प्याज, आधा चम्मच जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर और गर्म मसाला, टमाटर, हरी मिर्च। आइए अपनी गैस ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई रख दी, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसी में हम एक बड़ा चम्मच तेल, उसी के साथ इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरे को हमने भून लिया है। इसी के साथ इसमें जाएगा कटा हुआ प्याज, इसे भी हम भून लेते हैं। प्याज को हमें डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसे हल्का भूनना है ताकि ये ट्रांसपेरेंट होने तक इसको सिर्फ भूनना है हमें। हमारे इसमें जाएगा अभी अदरक, इसी के साथ हरी मिर्च। अब हमें मिक्स कर देते हैं इसे। देखिए प्याज हमारा भून चुका है। इसी में जाएगा हम हल्दी, लाल मिर्च, इसे हमें ऐड कर दिया। ये हमारा मसाला भुन चुका है। इसी के साथ इसमें पिसा जीरा जाएगा। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे हम अपने कटे हुए टमाटर। ये लीजिए, हमने टमाटर भी अपने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। लीजिए, हमारे टमाटर मिक्स हो चुके हैं। अब स्वादानुसार इसमें नमक डालेंगे। नमक को भी हम मिला देते हैं। टमाटर के बाद नमक डालने से टमाटर जल्दी ही गल जाते हैं, उसमें कलर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। और अब हम अपने पनीर को मैश कर लेते हैं। आप पनीर को ग्रेट भी कर सकते हैं। लीजिए, हमारा मसाला तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना पनीर। पनीर को भी हमने मिक्स कर दिया है। लीजिए, हमारी पनीर भुजी बिल्कुल बन चुकी है। अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले को भी हम मिक्स कर देते हैं। लीजिए, हमने गरम मसाला भी मिक्स कर दिया है। और अब हमारी पनीर भुजी रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं, मैंने हरा धनिया नहीं डाला है। तो लीजिए, हमारी लाजवाब क्रीमी स्वाद वाली पनीर भुर्जी तैयार है। आइए इसे सर्व करते हैं। गैस को हम ऑफ़ कर देते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। लीजिए, गर्मा गर्म पनीर भुर्जी आपकी रेडी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।